हाँ बेटा क्या हुआ? माजी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। क्या हुआ बेटा? माजी पता नहीं मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द कर रहा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। डॉक्टर मेरी बहू का चेकअप करो, इनके क्या हो गया है देखे। ठीक है आप बाहर ही रुकिए। जी आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर मैं अपनी बहू को घर ले जाऊं? ठीक है ले जाओ। चलो बहू। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, आज मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए मेरे घर का वारिश आने वाला है। मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। नौकर नौकर रामू जाओ पूरे गांव में खुशखबरी का बोल दो कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। जाओ ए भगवान, मुझे तो लड़का चाहिए, मेरे घर का वारिश आने वाला है। मुझे बहुत ही खुशी है, ऐसा नहीं हो जाए कि लड़की हो। मुझे तो लड़कियों से बहुत ही चीड़ आती है, मुझे तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करें ऐसी लड़कियों को भी, एक तो ऊपर से पढ़ाओ और फिर बड़ियों के ससुराल चली जाती है, इसलिए मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान करे मेरे तो लड़का ही होना चाहिए। माँ जी क्या हुआ बहू? माजी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। भगवान हमें तो ऐसा लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। चल बहू। डॉक्टर मेरी बहू का चेकअप करना जरा। बहू के लड़का हुआ है, लड़की हुई है। क्या लड़की? हे भगवान, ये लड़की मनुष्य कहाँ से आ गई? मैंने तो लड़का मांगा था भगवान से, शायद भगवान ने सही नहीं सुना। अब इसकी जगह कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका तो सही ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूँ अब मैं? चलो इसको तो डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। चलो अब जाके मैं अपनी बहू को लेके आती हूँ। डॉक्टर मैं अपनी बहू को घर ले जाऊँ? ठीक है ले जा। चलो बहू। बैठो बेटा। माँ जी वो मेरी लड़की कहाँ है? बेटा वो तो होते ही परलोक सिधार गई। नहीं माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बहू वो तो मर चुकी है, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी मुझे मेरी लड़की चाहिए। नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं है, अगर भगवान ने चाहा तो तुम फिर से माँ बनोगी। चलो अब रहने दो, चलो काम करो अपना। हे भगवान, इन लड़कियों का भी क्या है। नौकर हाँ मालकिन, ये जाओ झाड़ू पोछा लगा के डस्टबिन डाल के आओ। आज इस बाल्टी में इतना वजन क्यों है खोल के देखती हूँ। इस लड़की को इस डस्टबिन में किसने डाला? कौन इतना पागल था इस बच्ची को डस्टबिन में डाल दिया? अच्छा हुआ मेरे लड़की नहीं थी तो भगवान ने मेरे को लड़की दे दी। एक साल हो गया अभी तक मेरी बहू को कुछ नहीं हुआ, कब आएगा मेरा घर का बारिश? मुझे तो मेरे घर का बारिश चाहिए। यार,
ठीक है आप आ रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपकी बहू के लड़का हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब की बार आया मेरा वारिस, मैं अपनी बहू को घर ले जाऊँ। ठीक है, चलो बहू। देखो बहू, तुम्हारे लड़का हुआ है। ठीक है, मेरी बहू का लड़का हुआ है, मुझे बहुत ही खुशी की बात है। नौकर रामू, जल्दी आओ मिठाई लेके, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। मालकिन बांट दी मिठाई गांव में। अरे वाह, देखो गांव वाले कितने खुश हैं। आपकी देखभाल कर लेगा। हाँ बेटा, अब तो मैं भी उम्र भी हो गई है। जाओ तुम अपने उस बेटे को बोल दो, बुला के कि अपने दादी की खूब सेवा करे। मोहित। हाँ मम्मा, आया। बेटा वो मैं तेरे मामा के वहाँ पे जा रही हूँ, तो अपनी दादी का ख्याल रखना है ना। ठीक है मम्मा। बेटा मोहित। हाँ दादी। इधर आओ बेटा, मुझे पानी पिला दो। रोटियों को नहीं। बेटा जाओ ना, मुझे पानी पिला दो। भैया खानी पानी। अरे बेटा, अब तुम ही मेरी सहायता नहीं करोगे बुढ़ापे में, तो कौन मेरी देखभाल करेगा? बाद में कर लूंगा। हे भगवान, अब बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं बनता मेरा पोता। बेटा कम से कम खाना तो खिला दो, सुबह का खाना खाना है मेरे। बाद में खाना। हे भगवान, खुद उठ के ही पीना पड़ेगा, अब क्या करूं भगवान। क्या हुआ मालकिन? मेरा पोता भी अब मेरी सहायता नहीं करे, मैं किसके सहारे रहूं भगवान। अब चलो मैं ले जाती हूँ हॉस्पिटल। रामू बेटा, क्या हो गया ये मेरे साथ? बेटा इसका इलाज कर दो। आओ बैठो। ये गोली ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बेटा मैंने तुम्हें पहले कभी इस हॉस्पिटल में नहीं देखा, तुम किसकी लड़की हो? पहले तो यहाँ पे डॉक्टर रहते थे। वो खड़े, मैं उनकी लड़की हूँ।